सो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस सर फाइनली मैं आप लोगों के लेकर आ चुका हूं एक और नया ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.18 अपडेट का बेस्ट सर्वाइवल सीड। ये जो सीड है गाइस इसके अंदर में काफी सारे विलेजेस, स्ट्रॉन्ग होल्ड, रूइन पोर्टल, नेदर फोर्ट्रेस, नेदर बेसन, ये सब तो बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ 1.18 अपडेट के अंदर जो नई चीजें ऐड हुई है जैसे कि लास्ट केव एंड डीप डार्क केव, ये भी आपको स्पॉन लोकेशन के बिल्कुल करीब मिल जाएगा। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सीड है। बट आप माइनक्राफ्ट 1.18 अपडेट के अंदर अपने सर्वाइवल वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहते हो तो इस सीड को एक बार डेफिनेटली ट्राई करना। तो चलो यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सीड बता देता हूं एंड फिर हम लोग इस सीड के अंदर सभी लोकेशंस को भी देखेंगे। तो यहां पे हमें एक नए वर्ल्ड को क्रिएट करना है एंड सीड यहां पे आप देख सकते हो आपको एग्जैक्ट इसी सीड को एंटर करना है। तो यहां पे हम वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो चुके हैं एंड मैंने कोऑर्डिनेट्स को भी ऑन कर रखा है तो आपको सभी लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले तो गाइस इस वर्ल्ड के अंदर हमें स्पॉन लोकेशन के बिल्कुल ही करीब इस लोकेशन पे एक ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाता है। इसके बाद हमें आ जाना है 265322 पे एंड यहाँ पे गाइस आपको एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल जाएगा। तो ये दोनों तो अपने स्टार्टिंग के चीजें थे एंड यहाँ से अभी अपना मेन सीड स्टार्ट होता है। 722620 पे आपको एक विलेज देखने को मिल जाएगा। विलेज काफी ज्यादा बड़ा है तो यहाँ से आप लोगों को काफी सारी चीजें मिल सकती हैं जो कि आपके सर्वाइवल वर्ल्ड के स्टार्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद गाइस विलेज के बिल्कुल साइड पे आपको एक डीप डार्क केव मिल जाएगा। ये केव सही में बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से आपको काफी सारी चीजें एंड डायमंड्स भी मिल सकते हैं। इसके बाद यार इसी केव के अंदर आपको एक एमेथिस्ट जियोट भी मिल जाएगा। वैसे भी 1.18 अपडेट के अंदर एमेथिस्ट जियोट्स को ढूंढना पहले से थोड़ा ईजी हो चुका है। एमेथिस्ट जियोट के ठीक सामने अपना लश केव है एंड ये जगह तो यार सही में बहुत ज्यादा ओपी है। बाद में हमें वापस उसी विलेज पे आ जाने एंड यहाँ पे थोड़ा सा माइन करते हमें मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग होल्ड। बट यहाँ पे गाइस एंड पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए आई ऑफ एंडर, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेदर पे। तो नेदर पे जाने के लिए गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक रूइंड पोर्टल एंड आपको बिल्कुल इसी रूइंड पोर्टल से नेदर पे जाना है, जिससे कि आपको नेदर फोर्ट्रेस एंड नेदर बेसन बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाएगा। तो नेदर पे आ जाने के बाद गाइस आपको इस साइड में जाना है एंड यहाँ पे है गाइस अपना नेदर बेसन। इसके बाद हमें आ जाना है 134.21 पे एंड फाइनली यहाँ पे अपना नेदर फोर्ट्रेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे जो कि आपको इस स्ट्रीट के अंदर मिल जाएंगे। इनके अलावा गाइस इस स्ट्रीट के अंदर स्पॉन लोकेशन के करीब और कुछ विलेजेस भी हैं तो आप उन विलेजेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सर्वाइवल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए ये स्ट्रीट काफी अच्छा है। अभी अगर आपको इन सभी लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स जानने हैं, वैसे मैंने सभी इंपॉर्टेंट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स तो बता ही दिए हैं, बाकी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कुछ और विलेजेस भी हैं, तो अगर आपको उन लोकेशंस के भी कोऑर्डिनेट्स जानने हैं तो इससे रिलेटेड एक पोस्ट आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहां पे जाकर आप इन सभी कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से देख सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि गाइस आप लोग आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो। इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मैं आप लोगों से मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।